हमारे घर के एक मकान छोड़ के एक भाभी जी की डेथ हो गई। उनकी उम्र का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 6 साल, सोच सकते हो सिर्फ 6 साल। वैसे ही मेरे दोस्त के पिताजी, जिस दिन कोरोना की रिपोर्ट आई है उसके 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई सांस घुटने के कारण। ये चीज़ मैं आपको डराने के लिए या माहौल और ज़्यादा ख़राब करने के लिए नहीं बता रहा, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आप एक बार उस सिचुएशन में आके देखो और पीछे मुड़ के देखो, आपने पीछे छोड़ा क्या, आपके पीछे रह क्या गया, चंद कागज़ के टुकड़े, मकान, इसके अलावा हमारा पीछे रह क्या गया। हम लोग अपनी ज़िंदगी जो जी रहे हैं इस भाग में, इस भाग दौड़ में जी रहे हैं कि कब हम एक बड़ा मकान, अपना मकान, एक बड़ी गाड़ी, अपनी गाड़ी, बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाने के लिए होड़ है। क्या हकीकत में हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इसके आसपास घूमता है? मैं जानता हूँ कि घर चलाने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है, पर क्या सिर्फ यही है? आप आए, धरती पे आए, आपने पैसे की फ़ाइट करी और करते 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 एक दिन आप ख़त्म हो गए, और इस कोरोना के टाइम में तो आपको पता भी नहीं कि आप कब चले गए, कब हो आप, कब नहीं हो। मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं कल हूँ कल नहीं, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता। अब इस चीज़ से ये मेरे ख्याल से मुझसे बेटर आप सभी ये लोग जानते हैं कि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारा होना और कल का ना होना कोई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ इसी चीज़ को लेके दिन रात भागते रहना, पैसा 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 पैसा, क्या ये एक ज़िंदगी का सॉल्यूशन? मुझे नहीं लगता। आपको एक बार पीछे मुड़ के ये देखना है कि हमारे पीछे रहेगा तो रहेगा क्या। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एक बार हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि प्लीज़ एक बार इस चीज़ को सोचें और प्लीज़ ज़िंदगी का एम मकसद सिर्फ पैसा ही बना के ना रखें, सिर्फ पैसे को ही मूलभूत ज़िंदगी का बेस बना के ना चलें। आपने इस धरती पर जन्म लिया है, आपने यहाँ के धरती के बहुत सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए हैं। आप जब पड़े हो पीछे, आप अब जब हम पीछे पड़े हैं, हमारी लाश पीछे पड़ी है, उसको भी जलाने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए। हम जाते हुए भी हम लोग कुछ ना कुछ रिसोर्स का नाश करके जा रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा, कुछ वार्ड आपको अपनी सोसाइटी को भी देके जाना चाहिए। हम लोग अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं ये भी हमें थोड़ा सा ये सोच के भी चलना चाहिए। बाकी कोरोना का टाइम है, ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और प्लीज़ पैसे को ही ज़िंदगी का मूलभूत आधार बना के मत चलिए। थैंक यू।